क्या आज मुंबई में आप आए हैं, मुंबई की बारिश, हार्ट ब्रेक, रोमांस, वड़ा पाव, आई मीन दैट्स सो इंटरेस्टिंग. यस, बहुत ज़्यादा. और बारिश आज मेरे ख्याल से कल पहली पड़ी है और बहुत मज़ा आ रहा है. और मैं यहाँ पे प्रमोशन के लिए आया हूँ. क्या लोगे तुम, जो आप लोगों ने इतना बड़ा बनाया और सबको इतना ज़्यादा पसंद आया. और मुझे लगता था कि देखो बहुत और टाइप के गाने चल रहे थे और बीच में से हम एक बिल्कुल ही अलग गाना लेके आए थे और वो लोगों ने बता दिया है, उनके प्यार ने, उनकी ताकत ने बता दिया है कि जो मेलोडी है वो कभी नहीं मरती है. सो उसकी एक ऐसी मेलोडी है और वो सब ने इतनी पसंद करी और हर एक इंसान ने अपने साथ रिलेट करा गाना कि हमारी कहानी है और ये बहुतों की कहानी है. क्या लोगे तुम, मेरे ख्याल से हर रोज़, मतलब कि रोज़ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि यार इंसान बोलता है यार कि तू जा भाई, हमारी ज़िंदगी से जाने का क्या लोग है. तो वो बड़ी एक कॉमन सी बात है और इसी करके सबको बहुत पसंद आई है. और अब जो ज़ोरा ज़मीन के आगे गाने आने वाले हैं वो मुझे लगता है कि आप सबके दिलों में बहुत ही ज़्यादा प्यार करके जाएंगे और एक अलग सी जगह बना कर जाएंगे. और वो एल्बम हमने 2.5-3 साल में तैयार करी है. तो आप सोचो कि 3 साल में अगर हमने वो 10-11 गाने तैयार करे हैं, गाने हमने 15-16 करे थे तैयार, बट उसमें से 10 सॉन्ग हमने निकाले हैं. तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत पूरी टीम ने करी है. और वो चाहे कोई भी है, पूरी टीम देसी मेलोडीज़ की, उन्होंने सब ने प्रमोशन से लेके गाना बनाने तक और कैसे कैसे सब चीज़ें जो लोगों ने करी हैं हमारी पूरी टीम ने. बाकी अब सब आप सब के सामने ज़ोरा ज़मीन एल्बम विल बी रिलीजिंग नेक्स्ट मंथ. और उसका दूसरा गाना जो है वो जून के एंड में आ जाएगा, जिसमें नवाजुद्दीन सदीकी भाई हैं और शहनाज गिल जी हैं. और वो आपको, मेरे को लगता है कि और ज़्यादा पसंद आएगा वो गाना, क्योंकि हर गाना एल्बम में बहुत अलग है और हर गाना आप अपने साथ रिलेट ज़रूर करेंगे. जैसे कि हमने देखा है सर, आपका हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स इतना बैक टू बैक हिट जाता है और इस बार भी वही हुआ. और स्पेशली इसमें कॉमन चीज़ है अक्षय सर, और इस बार भी सर के साथ आप, मतलब कैसा फील हो रहा है, कैसा आपके, मतलब क्या महसूस हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? हम अक्षय सर का जितना थैंक्स करें उतना कम है, क्योंकि उनको हमेशा जब भी हम कोई ऐसी चीज़ सुनाते हैं तो वो या तो हम पहले सुनाते नहीं, अगर सुनाते तो फिर वो ऐसी चीज़ सुनाते हैं कि उनको पसंद आती ही आती है वो. और वो दोबारा ये तीसरी बार, ये मेरा अगर 3 सिंगल हो गए हैं उनके साथ, और अगर वैसे देखा जाए तो मेरा ये उनके साथ 6th सॉन्ग है. तो तेरी मिट्टी से शुरुआत हुई थी और बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा उनके साथ काम करने में मज़ा आता है. और वो इतनी अपनी, उनकी इतनी इनपुट्स हैं गाने को लेकर कि हमें, हम सिर्फ गाना बनाते हैं बट उसके बाद जो उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड हो सकती हैं, कैसे वो वीडियो वाइज कैसे उसको हम और अच्छा कर सकते हैं, तो उनका बहुत बड़ा इस चीज़ में इनपुट है और वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम. बहुत अच्छी रही है हमेशा से, हर एक के साथ अच्छी रही है. सिर्फ उनके साथ ही, ऐसी कोई लेबल नहीं है जिनके साथ हमने कोलैब ना करा, और सबके साथ बहुत अच्छी कोलैब रही है. शुरू से क्या लोगे तुम? यस, ओ दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम, यार मेरे तू बता दे मुझे, यार मेरे तू बता दे मुझे, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, ये चांद या तारे हवा लोगे तुम, या लिखने की मेरी
कला लोगे तुम। थैंक यू। मुंबई की एक चीज जो आप बहुत मिस करते हैं, वड़ा पाव। यहाँ का यार मेरे को सच्ची वड़ा पाव बहुत पसंद है। तो वहाँ पे हमारे मिलता है बट इतना अच्छा नहीं मिलता जितना यहाँ पे अच्छा मिलता है। थैंक यू सो मच।